अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के द्वारा गुरुवार को अपनी मांगों के समर्थन में प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में एक्टिव के कार्यकर्ता महिला पुरुष हाथों में तख्ती और बैनर लेकर सड़क मार्च करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एक्टू के जिला सचिव अशोक सिंह ने कहा कि आज देश की आजादी का 70% संख्या खेत मजदूर किसानों का है, परंतु सरकार के द्वारा खेत मजदूर किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तथा खेत मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा मजदूरों को वर्ष में 100 दिन काम देने का वादा करती है, परंतु 100 दिन कार्य नहीं दिया जाता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करना चाहिए। सरकार जमीन पर बसे गरीबों को उजाड़ने का कार्य सरकार बंद करे तथा भूमिहीन गरीबों को आवास बनाने के लिए जमीन मुहैया कराए, उनके विस्थापन के लिए उजाड़ने का कार्य ना करें। नया कृषि बिल को सरकार तत्काल वापस ले। कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार निरंकुश हो गई है तथा किसी को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति अपनी बात को कहेगा उसे देशद्रोही बना दिया जाएगा। सरकार की प्रताड़ना गरीबों पर बढ़ती जा रही है और गरीब आर्थिक रूप से तंगहाली के कारण भूखे मरने की स्थिति में है। प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों के हाथों से रोजगार छिन रहा है, बेकारी की मार बढ़ती जा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार बैंकों को प्राइवेट कर रही है तथा सरकार के उपक्रमों को बेचा जा रहा है। प्रदर्शन में निजामुद्दीन अंसारी, रामकिशुन सिंह, बसंती देवी, विष्णुचंद सिंह, बलदेव सिंह, देशदीप सिंह, विनय पासवान, आमोद राम, ददन पासवान, मैनुद्दीन अंसारी, पारस सिंह, सुदामा राम, रमेश माली, रमेश गुप्ता सहित आदि शामिल थे। आज जो है मनरेगा मजदूर और खेतिहर मजदूर के सवाल पर धरना है और पूरे बिहार में है, और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि जो सरकार रोज बोल रही है कि तमाम मनरेगा मजदूरों को, खेत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन काम की हम गारंटी करेंगे और नहीं तो भत्ता देंगे, तो हमारे मनरेगा मजदूर भाई आए हैं और अफसर के पदाधिकारी प्रोग्राम अफसर के पास कि हमको काम दीजिए नहीं तो 100 दिन भत्ता दीजिए। ये महिला मजदूर, पुरुष मजदूर, ये गरीब मजदूर सब लोग आए हैं, इनको भत्ता दें नहीं तो काम दें। इसके लिए हम आए हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? नहीं हुई तो लड़ाई तो जारी है, और माले इसके लिए नहीं है कि ये कौन अफसर मेरा बात माना नहीं माना। इस व्यवस्था में जो जितने भ्रष्टाचार है, जब से खत्म नहीं होगा तब से माले और माले के नेतृत्व में जनता लड़ेगी, और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर सोन में फेंकने का काम करेगी। यह आंदोलन जारी रहेगा।